अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इफ्रा और हम आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के गोलगप्पे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ यहाँ पर दुनिया में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और उसके बाद ये सारा काम अगर वो प्रोसेस करेंगे और वो बहुत अच्छी डो बनाएंगे। उसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, आधा कप मैदा, आधा कप सूजी, हस्बैंड ज़रूरत नमक और पानी जितना हमें चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए, उसकी डो बनाने के लिए। अब हम अपनी डो बनाना स्टार्ट करते हैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से बाउल लेंगे और बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे आधा कप सूजी जो हमने मैदे में रखी हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मैदा, तकरीबन आधा टी स्पून हम डालेंगे इसमें नमक, बस। अब हम इसको मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और डो बनाएंगे। बहुत अच्छी सी डो बनेगी इसकी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह उसकी डो तैयार हो गई है, बिल्कुल आटा बन गया उसका, अच्छी तरह से गूंदा गया है और अभी हमने इसको 5 मिनट अच्छी तरह गूंदना ताकि हाथों को बिल्कुल ना चिपके। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हाथों को बिल्कुल नहीं चिपक रहा, 5 मिनट आपने इसको ऐसे गूंदते रहना। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सख्त सा आपने आटा गूंदना है और ये हाथों को बिल्कुल नहीं चिपक रहा, तो अब इसके बाद आपने इसको वैसे पकड़ रख के ही रख देना है। अब आपने पहले आटा मैदा है उसको रेस्ट कर लेना है, उसके बाद जो डो हमने गूंदी थी उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब इसके बाद बेड़ा बना लेना है, थोड़ा बना के साइड पर रखी आदमी काम करने के लिए पेड़ बना लें। और अब इसको हमें बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेना है। अब इसको रोटी की तरह बिल्कुल बेल लेना है, बिल्कुल पतला सा हमने इसको बेलना है, बिल्कुल थिन होना चाहिए। जा चुकी है बिल्कुल, आपने इसको पतला सा बेल लेना है, उसके बाद हमने इसके गोल गोल कटर से कट्स निकाल लेने हैं। हमारे पास कटर नहीं था तो इसलिए हम अपने बच्चे का हीटर का कैप यूज कर रहे हैं, आपके पास कटर हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने मैक्सिमम इसके बन सकते हैं आपने इसके गोल कड़े बनाकर निकाल लें। सारे हमने गोल गप्पे बना लिए और ये बिल्कुल हमने गोल शेप इनको दे दी हुई है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हमने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और पहले आपने इसको हाई फ्लेम पे गर्म करना है और इसको मीडियम कर लेना है, अब हम अपने गोल गप्पे को फ्राई करेंगे। प्रेस करेंगे और देखिए हमारा गोल गप्पा फूल गया, बहुत प्यारा सा फूल गया और ये देखिए कितना अच्छा फूल गया। इसको हम गोल करके करेंगे, साथ में हमें कौर डाल देंगे। आप भी गोल गप्पा आराम आराम से डाल रहे हैं। इस तरह हम अपने बाकी गोल गप्पे भी फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं हमारे गोल गप्पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फूले हैं और ये बहुत ही खस्ता बने हैं। इनका केस बिल्कुल वैसे ही बनेगा जब हम इसको तोड़ के आपको दिखाएंगे अभी खा के,
तो ये बहुत ही मजेदार बनेंगे। हमारा चाय हो चुके हैं और ये हमने मीठा पानी बनाया इसके साथ और ये हमने खट्टा पानी बनाया और मैंने बॉयल करके रखेंगे। अब हम आपको खा कर बताएंगे कि ये कितने यम्मी बने हैं। अभी आप देखेंगे इसका क्रिस्प, ये बिल्कुल सही बने, बिल्कुल वैसे जैसे हम बना के खाते हैं। हम इसमें थोड़े से चने डालेंगे, अभी हम थोड़ा सा खट्टा पानी डालेंगे, थोड़ा सा मीठा पानी डालेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। तो प्लीज इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे और मेरे दोस्तों से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।